जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने शराब पीकर पीड़िता के साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए नाबालिग किशोरी के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया। पूरा मामला तहसील भोगनीपुर थाना क्षेत्र के हारामऊ गांव का है, जहां वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा गांव में कराए जा रहे काम के दौरान पीड़िता की जमीन में नाली को लेकर विवाद हो गया, जहां सूचना पर पहुंचे भोगनीपुर तहसील प्रशासन के अधिकारियों ने विवाद की स्थिति को देखते हुए समस्या का समाधान करते हुए विवाद खत्म कर दिया। वहीं तहसील प्रशासन के जाने के बाद लगभग 8 बजे के आसपास प्रधान के समर्थकों ने शराब पीकर पीड़िता से जमीन को लेकर फिर दोबारा विवाद करते हुए गाली गलौज देने लगे, जहां पीड़िता के साथ रह रही उसकी बहन की नाबालिग 13 वर्षीय बेटी ने विरोध किया तो गांव के कुछ दबंग लोगों ने शराब के नशे में नाबालिग के साथ छेड़खानी का प्रयास करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे, जहां पीड़िता ने 112 नंबर डायल कर पुलिस को यह सूचना दी, जहां 112 नंबर पर पुलिस ने पीड़िता को थाने में शिकायत करने की बात कहकर चले गए। आपको बता दें कि पीड़िता ने कोतवाली भोगनीपुर में प्रार्थना पत्र देते हुए दबंगों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की, लेकिन कोतवाली पुलिस द्वारा कार्यवाही न होने के चलते पीड़िता ने आज पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात को पूरे मामले से अवगत कराते हुए न्याय की गुहार लगाई। अब देखने वाली बात होगी कि कोतवाली पुलिस समेत पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात से गुहार लगाने के बाद पीड़िता को न्याय मिलेगा या यूं ही पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटकती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। किस थाना क्षेत्र की रहने वाली हो? हारामऊ। हारामऊ गांव की हो? हाँ। थाना कौन सा है? भोगनीपुर। कहाँ पे आई है आप? माती में आए। माती आए, क्या मामला था? जगह की वजह से, जगह में मतलब वो विवाद कर दिया था। किससे हो रहा था विवाद? लाखन रामशंकर और जगदीश बीरू धीरू और अनिल रहे। जमीन किसकी है? वो मेरी है। आपको कोई लिखा पड़ी है क्या? हाँ। क्या है? बैनामा है पूरा। किसी अधिकारी ने निरीक्षण किया उसका? हाँ। कौन आए थे? SDM आए थे। क्या किया साहब ने? उन्होंने कहा था कि डेढ़ फुट अपने जगह दे दो, तो दे दी गई। आए तो फिर वो कहने लगे हाँ हाँ हाँ, अरविंद और सब उनके सब लोग कहने लगे कि ठीक है, सब लोग उन्होंने कर दिया। और बाद में डेढ़ फीट जमीन दिलवा दी। हाँ। आप संतुष्ट हो गए? हाँ। सब लोग संतुष्ट हो गए? हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ये हुआ कि वो लोग चले गए, तो फिर ये लोगों ने फिर मतलब बात को मतलब पलट दिया, और पलट के फिर ये लोगों ने दारू पिला दी। जगदीश रामशंकर लाखन लोगों बाबू दादा और हन्नू को और उसको क्या कहते हैं नीरज को। फिर इसके बाद? हाँ, फिर वो लोग गाली गलौज देने लगे, मतलब फिर इस लड़की को मतलब बहुत सी भद्दी गाली देने लगे। कहते हैं हम इसको जान से मार देंगे, इसको उठवा देंगे, हम इसको उठवा देंगे और उसको उठा लिया गोदी में, इसको उठा लिया गोदी में, तो हम लोगों ने दोनों लोगों ने इसके पैर पकड़ लिए। हमारे यहाँ पर हाथों में चोटें लगी हैं, यहाँ लगी हैं सब, ये देखो। अब आप क्या चाहती हैं? आपके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, पुलिस अधीक्षक महोदय ने क्या कहा कार्रवाई के लिए? सीओ के पास हम दे देंगे। सीओ भोगनीपुर जांच करेंगी? हाँ। जी।